द्विघात समीकरण अनुशीलनी 2a रो क्वेश्चन नंबर 6 अछि जदि 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इक्वल टू 0 समीकरण रो गोटिए मूल अपरटी रो 12 गुण हुए तबे k रो मूल्य निर्णय करो। तो देखो एठारे हमकु गोटे द्विघात समीकरण दिया जाय छि 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इक्वल टू 0 एवं कहा जाय छि एही द्विघात समीकरण टी रो गोटिए मूल अपरटी रो 12 गुण अटे। आमे जानिछु द्विघात समीकरण रो दुटा मूल थाए एवं प्रश्न रे कुआ जाइछि जे दत्त द्विघात समीकरण टीर गोटे मूल अपरटी रो 12 गुण बुझि पाललो। तो क्वेश्चन नंबर 6 रो समाधान करिबा कुआ जाइछि जे 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इक्वल टू 0 समीकरण रो गोटे मूल अपरटी रो 12 गुण एक कथाटा को लिखि दियो गोटे मूल अपरटी रो 12 गुण। चलो एठे सबुठ इम्पोर्टेंट कथा हला तमे एही द्विघात समीकरण रो ए बी आउ सी को चिन्ह परिवा दरकार समस्ते 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण रो ए बी आउ सी को चिन्ह परचो। चलो कहि दियो एही द्विघात समीकरण रो ए के बी के एवं सी के फटाफट को ए होची 4x स्क्वायर पाखरे जे होची से होची ए एक्स पाखे जी अच्छे से हूँ बी मान माइनस 13 बुझिपारल बी हूँ माइनस 13 एका जी अच्छे से हूँ सी मान सी मान ये के दिखाई बुझिपारल जेनराली सी मान गोटे संख्या दि जाए कि संख्या न दि जाए कि बदल में के दि जाए बुझिपारल 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वाल टू 0 समीकरण ए बी आउ सी को आम चिह्नट करदेलु। बर्तमान प्रश्न में कहुई गोटे मूल अपरटी 12 गुण धरा जाऊ एही समीकरण रो गोटे मूल होची अल्फा तबे अन्य मूलटी कौन हम अन्य मूलटी कौन हम किसी पिला कहे जे बीटा हम है कि प्रश्न में कहुई पा गोटे मूल अपरेटर 12 गुण जदि गोटे मूल को आम अल्फा नहीं जावा अन्य मूलटी आपे आपे तार 12 गुण हो बुझिपारे कि नहीं। तो गोटे मूल जदि अल्फा हो गोटे मूल हो 12 अल्फा बुझिपारल तो बीटा जगह आम 12 अल्फा लिखा बुझिपारल ना नहीं। तो लेख जे मने कर समीकरण गोटे मूल होची अल्फा वो अन्य मूलटी कौन हम अन्य मूलटी 12 अल्फा बुझिपारल 12 अल्फा कहीं हम कहीं प्रश्न कही गोटे मूल अपरेटर 12 गुण जेनराली आम गोटे मूल को अल्फा नौ आ गोटे मूल को बीटा नौ कि बीटा लिखा ना एथर एथर 12 अल्फा लिखा बीटा जगह बुझिपारल। चलो बर्तमान आम जानू जे गोटे द्विघात समीकरण मूल द्वयर जोगफल सूत्र हूँ माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटार सूत्र कौन माइनस बी बाई ए। तो लिखिब जे आम जानू जे अल्फा प्लस बीटा इक्वाल टू माइनस बी बाई ए किंतु ये बीटा जगह आम 12 अल्फा को लिखा तो लेख अल्फा प्लस 12 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो 12 अल्फा सांगे अल्फा मिसाओ 12 अल्फा रे अल्फा मिसाओ 12टा अल्फा सहित आउ गोटे अल्फा मिसले केतरा अल्फा भेरी गुड 13टा अल्फा तो 13 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए बी जगह पकेबा माइनस 13 डिवाइडेड बाय ए जगह पकेबा 4 देखिकी लिखिबो। चलो बर्तमान आम पाइबा 13 अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 13 13 बाई 4 बुझिपारल तो उभय पार्श्वर 13 को कैनसल कर आउ तुम्हें पाइब अल्फा इक्वाल टू 1/4 अल्फा इक्वाल टू केते पाइबा आम 1/4। चलो अल्फार मान आम बाहर करदेलु बुझिपारल। चलो बर्तमान आम देखा जे मूल द्वयर गुणफल कहीं आमको के मान ये बाहर करार अच्छे प्रश्न में कहा जाए के मान निर्णय कर के मान निर्णय करने आमको मूल द्वयर गुणफल सूत्र पकेबापी पड़ो माने अल्फा बीटा रो सूत्र अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए सी जगह आम के बसई दबा बुझिपारे कि नहीं। तो लिखिब पुणी आम जानू जे अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए तो अल्फा बीटा जगह कौन पकेबा बीटा जगह 12 अल्फा पकेबा इज इक्वल टू सी बाई ए सी जगह पकई दि के बाई ए जगह पकई दि 4 तो के बाई 4 बुझिपारल तो अल्फा इंटू 12 अल्फा केते हिजिव अल्फा रे 12 अल्फा गुणीबा केते हिजिव 12 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय 4 किंतु आमे तो अल्फार मान आगु ही बाहर कर देचु केते बाहर करचु अल्फा इक्वल टू 1/4 तो एठारे अल्फा स्क्वायर जगह 1/4 रो होल स्क्वायर लिखि दबा बुझी पारलो ना
तो लिखिबा बार गुणन वन बै फोर रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बै फोर। बुझिपार माइंड रे पशि जिनस मुवल आलफा स्क्वायर जगह लिखी वन बै फोर रो होल स्क्वायर कहीं जाणी आलफा इक्वाल टू वन बै फोर बुझिपार। चलो बर्तमान आम लिखा बार गुणन एक बै चार रो होल स्क्वायर के स्क्वायर एक चार रो स्क्वायर षोह इज इक्वाल टू के बै फोर। चलो बर्तमान बार बै षोह अच्छी चार रे कटिज तो चारि तीरी बार हो चारि चौ षोह हो बुझिपार। एवं आम ये बोथ साइड रू चारि को भी काट दे पारा उभयर हर रु चारि कटिज बुझिपार ना नहीं तीन बै चार इक्वाल टू के बै फोर तो उभय पार्श्वर हर रु चारि कटिगला आम पाइबा तीन इक्वाल टू के बा के मान पाइबा तीन बुझिपार। ये तीन गुणन एक अच्छी तो तीन के तीन तीन इक्वाल टू के बा के मान आम पाइबा डायरेक्ट तीन तो के इक्वाल टू तीन बुझिपार ना नहीं बुझिपार भल भाव बुझिपार ना नहीं। अरे बुझे देख ये लिखाई बार गुणन एक बै षोह इज इक्वाल टू के बै चार एति तो आम कौन करवा चार काटदे चारि तीरी बार चारि चौ षोह इज इक्वाल टू के बै फोर तो यार देख तीन के तीन उपरे रन बै चार तीन बै चार रखे आर पाखे अच्छे इक्वाल टू के बै फोर अच्छे तो यार थ्री बै फोर इक्वाल टू के बै फोर तीन रे चारि हरण करवा जहाँ के रे भी चारि हरण करवा से तो उभय पार्श्व मुझे चारि काटदेवि मैंने के इक्वाल टू तीन बान इक्वाल टू के मान तीन बाहर जी बुझिपारे कि नहीं तीन रे चारि हरण कराई तो ये भी तो तीन चारि हरण कराई ना तो ये के मान तीन बाहर बुझिपार ना उभय पार्श्वर हर रु चारि को कैनसल कर दियो आउ तुम पाइब के इक्वाल टू थ्री। तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स तुमको प्रश्न पचार के मूल्य निर्णय कर आम ये के मूल्य पाइलु कौन के मूल्य पाइलु थ्री बुझिपार। तो चलो वर्तमान क्वेश्चन नंबर सेवेन समाधान करवा क्वेश्चन नंबर सेवेन अच्छी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस पी इक्वाल टू जीरो समीकरण गोटे मूल अपरटी अपेक्षा तीन अधिक हेले पी रो मूल्य निर्णय कर। तो देख क्वेश्चन नंबर सेवेन आमको गोटे द्विघात समीकरण दि जाइए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस पी इक्वाल टू जीरो द्विघात समीकरण गोटे मूल अपरटी अपेक्षा तीन अधिक तो कहींपर जदि गोटे मूल को मुझे आलफा नहीं जी आउ गोटे मूल कौन हम भेरी गुड आलफा प्लस थ्री हम अधिक मान जोग करवा तीन बुझिपार। तो देख एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस पी इक्वाल टू जीरो समीकरण गोटे मूल अपरटी अपेक्षा तीन अधिक तो लिखिदि जे यही समीकरण गोटे मूल अपरटी अपेक्षा अपरटी अपेक्षा तीन अधिक बुझिपार। बर्तमान सबुठ इम्पोर्टाट कथा द्विघात समीकरण ए बी आउ सी को आइडेंटिफाई करवा तो कह एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस पी इक्वाल टू जीरो समीकरण ए किए बी किए एवं सी किए जल्दी कह एक्स स्क्वायर पाखे जी अच्छे सी हूँ ए एक्स स्क्वायर पाखे तो कहीं ना कहीं नहीं मैंने किए अच्छे वन तो ए रान ये वन बी किए एक्स पाखे जी अच्छे सी हूँ बी मानने माइनस फाइव बी हूँ माइनस फाइव सी किए सी हूँ पी बुझिपार। तो ए बी आउ सी को आम चिन्हगले बर्तमान कहुई जे गोटे मूल अपरटी अपेक्षा तीन अधिक तो मन कर समीकरण गोटे मूल को आम लिखा आलफा बा गोटे मूल को मानि ना आम आलफा तबे अन्य मूलटी कौन हम अन्य मूलटी हम आलफा प्लस थ्री हला गोटे मूल अपरटी अपेक्षा तीन अधिक गोटे जी आलफा हम आ गोटे हम तान अधिका मान आलफा प्लस थ्री है बुझिपार। तो बीटा जगह आम आलफा प्लस थ्री ही लिखा गोटे मूल आलफा आ गोटे मूल बीटा हुए किंतु सी कही गोटे मूल अपरटी अपेक्षा तीन अधिक तो जेटा तीन अधिक से बीटा बोली मान्य बुझीला तो आलफा प्लस थ्री इक्वाल टू बीटा किंतु आम जानू जे गोटे द्विघात समीकरण मूलद्वयर जोगफल हो माइनस बी बै ए मैंने आलफा प्लस बीटा इक्वाल टू माइनस बी बै ए सूत्र आम जाचु किंतु बीटा जगह आम आलफा प्लस थ्री लिखा एथरका बुझिपार। तो देख ये लिख आलफा प्लस बीटा जगह लिख आलफा प्लस थ्री इज इक्वाल टू माइनस बी बै ए माइनस बी जगह लिख माइनस फाइव माइनस माइनस फाइव डिवाइडेड बै ए जगह लिख वन
बुझिपारल तो वर्तमान अल्फा प्लस अल्फा हो जाए कैसे टू अल्फा प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस फाइव बै वन फाइव बै वन जे फाइव बुझीगला प्लस फाइव बै वन फाइव बै वन जहाँ फाइव से आ चलो बर्तमान ये देख प्लस थ्री टा आर पाक गले कौन हो माइनस थ्री हो तो आम पाइबा टू अल्फा इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री पाँच रु तीन गले दुई पाँच रु तीन गले कैसे दुई तो टू अल्फा इक्वल टू टू अल्फा इक्वल टू टू सांगे अल्फाटा गुण नहीं कि अच्छे देख यू टूटा अल्फा सांगे गुण नहीं कि अच्छे आर पाक गले हरण हो तो अल्फा इक्वल टू टू बै टू दुई रे दुई हरण कले एक आम पाइबा अल्फा इक्वल टू वन अल्फार मान आम बाहर करदेलु वन बर्तमान आम जानु जे गोटे द्विघात समीकरण मूल द्वयर गुणफल अल्फा बीटा इक्वल टू सी बै ए अल्फा बीटार सूत्र कौन सी बै ए देख बर्तमान अल्फा बीटा जगह आम लिखा अल्फा प्लस थ्री इक्वल टू सी बै ए सी जगह लिख पी बै ए जगह लिख वन पी बै वन बुझिपारल तो बर्तमान अल्फा जगह आम तार मान पकईदेबा के वन तो वन इंटू वन प्लस थ्री होक्वाल टू पी पी बै वन जे पी तो वन इंटू वन प्लस थ्री इक्वाल टू पी बै वन जे पी बुझिपारल तो एक सांगे जहाँ भी गुणवा गुणफल से ही संख्या बाहर जीव तो एक गुणन एक प्लस तीन अच्छी तो एक गुणन एक प्लस तीन के एक तीन मिसले चार एक गुणन चार इक्वाल टू पी चार के चार तो चार इक्वाल टू पी बा पी रान आम ये पाईलु चार बुझिपारल तो आमको पी रान निर्णय करने कहला क्वेश्चन नंबर सेवेन तो आम पी रान बाहर करदेलु चार बुझिपारल तो वर्तमान क्वेश्चन नंबर एट समाधान करवा क्वेश्चन नंबर एट अच्छी जदि टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वाल टू जीरो समीकरण मूल द्वय अल्फा और बीटा हुए तेरे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर रो मूल्य निर्णय कर तो देख क्वेश्चन नंबर एट समाधान करवा आमको द्विघात समीकरण दि जाइए टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वाल टू जीरो कहुई द्विघात समीकरणटर मूल द्वय होती अल्फा और बीटा तो लेख जे टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वाल टू जीरो समीकरण मूल द्वय अल्फा ओ बीटा बुझिपारल तो कह जे एही द्विघात समीकरण रे ए के बी के एवं सी के आगे ए बी आउ सी को चिन्हट करिबा बहुत इम्पोर्टाट तो ए होची टू बी होची माइनस फाइव आउ सी होची थ्री एक समस्ते जान सारे तो ए होची टू बी होची माइनस फाइव आउ सी होची थ्री लिखिदेव चलो वर्तमान प्रश्न रे कहा जाइछि जे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर रो मूल्य निर्णय कर यार सूत्र तो आम जानी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर रो मूल्य बाहर करिवार सूत्र भी आम जानी किंतु आम केवल जानचे अल्फा प्लस बीटार सूत्र आउ अल्फा बीटार सूत्र जहाँ जाचो से बाहर कर दियो अल्फा प्लस बीटार सूत्र होची माइनस बी बाय ए तो माइनस बी जगह पकई दियो माइनस फाइव डिवाइडेड बाय ए जगह पकई दियो टू माइनस माइनस प्लस फाइव बाय टू बुझिपारल तो अल्फा प्लस बीटार सूत्र हो फाइव बाय टू बुझीगला एबे अल्फा बीटार सूत्र बाहर करवा सी बाय ए तो सी जगह के पकेबा थ्री बाय ए जगह के पकेबा टू थ्री बाय टू बुझिपारल अल्फा प्लस बीटा हूँ फाइव बाय टू अल्फा बीटा हूँ थ्री बाय टू बुझीगला तो वर्तमान देख आमको बाहर करने कहुई अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर रो मान एठार मु कौन कॉमन नहीं पारिमि भाविल देखा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर रु कौन कॉमन नहीं पारिमि भले कि देख ये अल्फा बीटा कॉमन नहीं पारि अल्फा बीटा को जदि कॉमन ने भी आउ रहइबो भितरे अल्फा प्लस बीटा देखिनियो ठीक अच्छे कि नहीं अरे देख अल्फा स्क्वायर बीटा माने कौन अल्फा इंटू बीटा हाँ कि ना भल भाव भाव कह अल्फा स्क्वायर माने अल्फा इंटू अल्फा ता सहित बीटा गुणन कराई अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर माने कौन बीटा इंटू बीटा बुझिपारल तो यठार कौन कॉमन चल जीवन अल्फा बीटा कॉमन चल जीवन अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा को जब हमें कॉमन नहीं जीवा आउ रहइबो अल्फा प्लस बीटा मु अल्फा बीटा को कॉमन नहीं आउ रही अल्फा प्लस बीटा बुझिपारल चलो वर्तमान यठार आम अल्फा बीटा को कॉमन नहीं जीवा आउ रहइबो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटार मान आम बाहर करचे थ्री बै टू गुणन अल्फा प्लस बीटार मान आम बाहर करचे फाइव बै टू
तो लब को लब सांगे गुण हर को हर सांगे गुण पाँच तीन पंदर रहा उपरे आले रुई दुणे चार पंदर बै चार बुझिपारल तो आलफा स्क्वायर बीटा प्लस आलफा बीटा स्क्वायर मान हो पंदर बै चार बुझिपारल। चलो बर्तमान क्वेश्चन नंबर एट्र समाधान सरीगला एवं देखा क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन अच्छी जदि टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वाल टू जीरो समीकरण मूलद्वय आलफा और बीटा हुए तेबे आलफा प्लस वन होल इंटु बीटा प्लस वन रो मूल्य निर्णय कर। तो देख क्वेश्चन नंबर नाइन रो समाधान करवा जे टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वाल टू जीरो समीकरण मूलद्वय होती आलफा और बीटा। तो लिखिदि ये समीकरण मूलद्वय हेले आलफा और बीटा। चलो प्रथम कथा कौन जे आमे समीकरण रे ए बी एवं सी को चिन्हट करिबा ए के टू बी के माइनस सिक्स सी के थ्री ए बी सी चिन्ह पार तो ए बी एवं सी को चिन्हट करदेलु। बर्तमान आमे समीकरण मूलद्वय देखुचे आलफा और बीटा आमे जानिचे समीकरण मूलद्वय जोगफल सूत्र होउचि आलफा प्लस बीटा इक्वाल टू माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी जगह पकईदेबा माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय ए जगह पकईदेबा टू बुझिपारल। तो माइनस माइनस प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय टू छा के छा तीन। चलो बर्तमान आलफा प्लस बीटार मान बाहरी गला तीन एबे आलफा बीटार सूत्र भी आम जाचे आलफा बीटा इक्वाल टू सी बै ए। तो सी जगह पकईदि तीन बै ए जगह पकईदि दुई तीन बै दुई। तो आलफा प्लस बीटार मान तीन एवं अल्फा बीटा मान तीन बै दुई। बर्तमान आम को बाहर करने कहुई अल्फा प्लस वन होल इंटु बीटा प्लस वन मान है। तो अल्फा प्लस वन होल इंटु बीटा प्लस वन मान। तो बर्तमान देख अल्फा सांगे गुणवा बीटा प्लस वन को अल्फा सांगे गुण बीटा प्लस वन को प्लस वन सांगे गुण बीटा प्लस वन को बुझिपार बंटन नियम अनुसार आम गुणन कलु आलफा सांगे प्रथम गुणागला बीटा प्लस वन को प्लस वन सांगे गुणागला बीटा प्लस वन को। तो देख आलफा सांगे बीटा गुणिले आलफा बीटा प्लस आलफा सांगे वन गुणिले आलफा प्लस वन सांगे बीटा गुणिले बीटा प्लस वन सांगे वन गुणिले वन बुझिपार। तो बर्तमान देख अल्फा बीटा केते बाहर आमर अल्फा बीटा बाहर थ्री बै टू लिखिदि अल्फा बीटा जगह थ्री बै टू। ये देख अल्फा प्लस बीटा भी आम बाहर करदे अल्फा प्लस बीटा हूँ थ्री प्लस अच्छी वन। तो बर्तमान थ्री बै टू प्लस तीन युक्त एक हूँ चार बुझिपार। तो बर्तमान चार दुणे आठ आठ युक्त तीन केते एगार एगार बै दुई बाहरी गला। तो अल्फा प्लस वन होल इंटु बीटा प्लस वन मान हूँ एगार बै दुई एगार अधा हूँ साढ़े पाँच। तो तुम्हें चाहिए लिखिपार साढ़े पाँच एनसर बुझिपारल। तो बर्तमान नौ नंबर प्रश्न समाधान भी सरी जाइए बर्तमान देखा दस नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर टेन अच्छी जदि टू एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन होल इंटु एक्स प्लस पी माइनस वन इज इक्वाल टू जीरो समीकरण मूलद्वयर अंतर और गुणफल सामान हुए तेब पी रान निर्णय कर। देख आमको जो द्विघात समीकरण दि जाइए टू एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन होल इंटु एक्स प्लस पी माइनस वन इक्वाल टू जीरो द्विघात समीकरणटी मूलद्वयर अंतर एवं मूलद्वयर गुणफल सामान। अर्थात जदि आम द्विघात समीकरण मूलद्वय को आलफा और बीटा मानि नवा तेल आलफा माइनस बीटा इक्वाल टू आलफा बीटा बुझिपार। मूलद्वयर अंतर मान हूँ मूलद्वयर वियोगफल आउ मूलद्वयर गुणफल सामान बोली से कही बुझिपार। तेनाली आलफा माइनास बीटा इक्वाल टू आलफा बीटा बोली आमको दि जाए। तो देख आम दस नंबर प्रश्नर समाधान करवा लिखा टू एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन होल इंटु एक्स प्लस पी माइनस वन इक्वाल टू जीरो द्विघात समीकरण मूलद्वय को आलफा ओ बीटा धरा जाऊ आलफा ओ बीटा धरा जाऊ बुझिपार। तो प्रथम काम कौन एठार ए बी आउ सी को आइडेंटिफाई करवा। तो कह जे एही द्विघात समीकरण ए के बी के एवं सी के कही पार एक्स स्क्वायर पाखे जी अच्छी सी हूँ ए माने ए हूँ दुई एक्स पाखे जी अच्छी सी हूँ बी माने ए पूराटा माइनस पी प्लस वन बुझीला। तो बी रान हो माइनस पी प्लस वन बुझीला।
चलो वर्तमान सी रो मान के टोटाल बुझीगला जी एका अच्छे से हूँ सी मान पी माइनस वन तो ए बी आ सी को समस्ते चिन्ह पार्च कहार किसी डाउट ना असुविधा ना ए हूँ दुई बी हूँ माइनस पी प्लस वन आ सी हूँ पी माइनस वन प्रश्न कही मूलद्वयर अंतर मूलद्वयर गुणफल सहित सामान तो लिखा यठार जे प्रश्नानुसारे आमको प्रश्न दि जाइए जे आल्फा माइनस बीटा इज इक्वाल टू आल्फा बीटा आल्फा माइनस बीटा इज इक्वाल टू आल्फा बीटा देखो आल्फा माइनस बीटार कौन से डायरेक्ट सूत्र आम जाने आम आल्फा प्लस बीटार सूत्र जाने आल्फा प्लस बीटा इक्वाल टू माइनस बी बाई ए किंतु आल्फा माइनस बीटा के यार सूत्र तो आम जाने किंतु आम ए माइनस बी होल स्क्वायर गोटे सूत्र जाने आम जाने ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वाल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी सूत्र मन पकाओ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वाल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी जदि ए प्लस बी होल स्क्वायर रु फोर ए बी को माइनस करवा तेल आमको ए माइनस बी होल स्क्वायर मिल बुझिपार कि नहीं देखनी ए प्लस बी होल स्क्वायर सूत्र किस जान कि नहीं ए प्लस बी होल स्क्वायर सूत्र कौन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो ये रही गल तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी फोर ए बी को माइनस कर दियो टू ए बी फोर ए बी को माइनस कले आ माइनस टू ए बी ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाकि ए माइनस बी होल स्क्वायर सूत्र सहित सामान बुझिपार तो से आम कहीपर जे ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वाल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी तो ये सूत्र को भी समस्त मन रख तो बर्तमान देख ए पाखे जो स्क्वायर अच्छे आर पाक गले कौन हो रूट ओवर हो तो आम पाइबा ए माइनस बी इज इक्वाल टू रूट ओवर अफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी बुझिपार तो आम ए माइनस बी सूत्र पाईगले रूट ओवर अफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी ठीक से भाया देख ये जो आल्फा माइनस बीटा अच्छी या जगह आम लिखिदे पार रूट ओवर अफ आल्फा प्लस बीटार होल स्क्वायर माइनस फोर आल्फा बीटा बुझिपार कि नहीं चलो तो ये ए माइनस बी सूत्र पड़ज ए माइनस बी सूत्र हूँ रूट ओवर अफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी बुझिपार तो ए जगह में अल्फा देखुचे बी जगह में बीटा देखुचे तो अल्फा माइनस बीटार सूत्र आसो रूट ओवर अफ अल्फा प्लस बीटार होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा इज इक्वाल टू अल्फा बीटा बुझिपार तो बर्तमान लक्ष्य कर ए पाखे जो रूट ओवरटा अच्छे आर पाक गले कौन हो स्क्वायर हो तो आम पाइबा अल्फा प्लस बीटार होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा इक्वाल टू अल्फा बीटार होल स्क्वायर बुझीगला चलो वर्तमान आम आल्फा प्लस बीटार सूत्र भी जाचे आल्फा बीटार भी सूत्र जाचे है तो आल्फा प्लस बीटार सूत्र हूँ माइनस बी बाई ए रोल होल स्क्वायर आठ है आल्फा प्लस बीटा जगह आम लिखा माइनस बी बाई ए आल्फा प्लस बीटार होल स्क्वायर अच्छी तो आम लिखा माइनस बी बाई ए रोल स्क्वायर बुझिपार्चना नहीं मुझ केवल आल्फा प्लस बीटा जगह माइनस बी बाई ए लिखी तार सूत्र आल्फा प्लस बीटार सूत्र कौन माइनस बी बाई ए तो ये अच्छे आल्फा प्लस बीटार होल स्क्वायर मैंने माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर हो बुझीगला माइनस फोर अल्फा बीटा अल्फा बीटार सूत्र हूँ सी बाई ए तो फोर इंटू सी बाई ए लिखि दियो इज इक्वाल टू अल्फा बीटार होल स्क्वायर माने सी बाई ए रो होल स्क्वायर बुझिपार तो वर्तमान माइनस बी रो स्क्वायर जहाँ बी स्क्वायर भी से बुझीगला माइनस रो स्क्वायर प्लस हो जाए ना रे हाँ कि ना माइनस चार रो स्क्वायर के षोह माइनस पाँच रो स्क्वायर के पचीस तो माइनस रो स्क्वायर गुड़ा भी सब प्लस बाहर है तो माइनस बी रो स्क्वायर हेले बी स्क्वायर बाहर डिवाइडेड बाय तले आसीगला हमर ए स्क्वायर माइनस फोर सी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय ए रो होल स्क्वायर माने सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बुझिपारलो चलो वर्तमान देखो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अच्छी तो बी स्क्वायर बी जगह के पकेबा एटा बी स्क्वायर माने माइनस पी प्लस वन रो होल स्क्वायर तो बी जगह मुझ पकेली माइनस पी प्लस वन बुझीगला डिवाइडेड बाय तले अच्छी ए स्क्वायर ए जगह पकईदेमी टू टू स्क्वायर हो स्क्वायर मैंने टू स्क्वायर खाली तो मान पकाऊँ माइनस फोर सी बाई ए फोर सी जगह के पकेमी पी माइनस वन डिवाइडेड बाय ए जगह के पकेबे टू बुझिपार इज इक्वाल टू के आस लिखाई सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर सी जगह पकईदेवी पी माइनस वन तो सी स्क्वायर मान पी माइनस वन रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ए जगह पकईदेवी टू तो टू स्क्वायर
ଦେଖ କିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି ଜିନିଷଟାକୁ କେବଳ ମୁଁ ଦେଖିକି ପକାଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ଏର ମାନ ପକାଉଛି ବି ଜାଗାରେ ବିର ମାନ ପକାଉଛି ସି ଜାଗାରେ ସିର ମାନ ପକାଉଛି ବୁଝିହେଲା ମୁଁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ କିଛି ଖଟାଉ ନାହିଁ କେବଳ ଦେଖୁଛି ପକାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ପି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏବେ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିକି ଆସିଲ ଯେ ମାଇନସ୍ର ସ୍କୋୟାର ଯାହା ପ୍ଲସ୍ର ବି ସ୍କୋୟାର ସେୟା ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର ଯାହା ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚର ବି ସ୍କୋୟାର ସେୟା ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର ପଚିଶ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର ବି ପଚିଶ ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ମାଇନସ୍ ପି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଯାହା ହେବ ପ୍ଲସ୍ ପି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବି ସେୟା ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ପି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଟୁର ସ୍କୋୟାର ବୁଝିପାରିଲ ମାଇନସ୍ ଏଇଠି ଦେଖ ଦୁଇରେ କଟିଯିବ ଚାରି ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି ତ ପାଇବା ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଟୁର ସ୍କୋୟାର ବୁଝିପାରିଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଅଛି ୟାକୁ ତୁମେ ଆର ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ସେ ଯାଇକି ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବୁଝିହେଲା ମାଇନସ୍ଟା ଆର ପାଖକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ପାଇବା ପି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଟୁ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଟୁ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କାହାର ସମଜରେ ଆସିଲା ନାହିଁ କେବଳ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆର ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍କୁ ଆର ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସିଏ ଯାଇକି ଆର ପାଖରେ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଟୁର ସ୍କୋୟାର ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଅଛି ବାଁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ପାଇବା ପି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଟୁର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଟୁର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଖାଲି ରହିବ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବୁଝିହେଲା ଚାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ପି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ ପି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ର ବି ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଆଉ ଦୁଇର ବି ସ୍କୋୟାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ପି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହଁ କି ନା ଧରାଯାଉ ଉପରେ ଅଛି ତୁମର ତିନିର ସ୍କୋୟାର ତଳେ ଅଛି ତୁମର ଚାରିର ସ୍କୋୟାର ଏହାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇପାରିବି ତିନି ବାଇ ଚାରିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହଁ କି ନା ସେମ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଛି ପି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର ତଳେ ଅଛି ଦୁଇର ସ୍କୋୟାର ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଟୋଟାଲ୍ ପି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସେଇଭଳି ଏହାକୁ ବି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପାଖରେ ଅଛି ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ତ ଟୁରେ ପି ଗୁଣିଲେ ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ଟୁରେ ୱାନ୍ ଗୁଣିଲେ ଟୁ ବୁଝିହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତୁମେ ଯଦି ପି ଜାଗାରେ ଏ ଦେଖିବ ଆଉ ୱାନ୍ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଦେଖା ହେବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ବାଇ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ବାଇ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ବାଇ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ମନେ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟ୍ ପାଠ ହଁ ଏ ବି ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏ ବି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ପି ବି ଜାଗାରେ ଅଛି ୱାନ୍ ପି ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର ପାଖରେ ଅଛି ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ଟୁ ବୁଝିହେଲା ତ ପି ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ପି ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁଟାକୁ ତୁମେ ବା ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ପାଇବା ପି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ପି ଦେଖ ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ପି ସେ ଆର ପାଖକୁ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ପି ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ପାଇବା ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ପି ମାଇନସ୍ ପି ଦୁଇଟା ପିରୁ ଗୋଟେ ପି ଗଲେ କେତେଟା ପି ରହିବ ଗୋଟେ ପି ରହିବ ତ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଲେଖିପାରିବ ନହେଲେ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଲେଖିପାରିବ ଯାହା ଲେଖୁଛ ଲେଖ ତ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ତ ପିର ମାନ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ତ ଆମେ ପିର ମାନ ବାହାର କରିଦେଲୁ ଟୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ପିର ମାନ ବାହାରିଲା ଆମର ଟୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଥିସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍ର ବି ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା।